लास्ट क्लास हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जानने से पहले हम ये जान चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हम क्यों करते हैं। उससे पहले हम जाने रेशनल फ्रैक्शन और रेशनल फ्रैक्शन के प्रकार। रेशनल फ्रैक्शंस के टाइप्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, देन आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं। और फिर लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम टाइप वाइज कैटेगराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला था टाइप वन। तो टाइप वन, तो टोटल हमने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जो फ्रैक्शंस हैं उसको चार टाइप के, जो मेन टाइप है चार टाइप के आधार पे बांटा गया है, और उसके बाद एक स्पेशल टाइप। तो ये जो टाइप है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये टाइप डिपेंड करता है नेचर ऑफ डिनोमिनेटर पे, नेचर ऑफ डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर, और हम लोग कह सकते हैं नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर पे। तो सबसे पहला हम आते हैं टाइप वन में, कि टाइप वन कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों ये किस टाइप का है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एज प्रीवियस क्लास हमने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का करते हैं, ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहले उसको डिवीजन मेथड से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसीड करते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं, हम लोग पहला टाइप में जो कि आपको हम डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में, आज डिटेल से इसको जानते हैं। कि देखिए यदि कोई सवाल रहे x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री जस्ट सपोज, तो ये डिसाइड करने में हमको वक्त नहीं लगेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर का रूट है वो कैसा है। तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर का रूट है ये जो लीनियर है, तो जैसा हमने लिखा है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर फैक्टर, तो यहाँ पे ये भी लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, इट मीन्स इसकी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है। नाउ दूसरा आता है नॉन रिपीटेड। तो नॉन रिपीटेड कब होगा, इसकी रूट्स अलग है, इट मीन्स कि ये जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू माइनस वन आप पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करते हैं, या x इज इक्वल टू थ्री पुट करते हैं, तो इसके रूट्स अलग अलग हैं, तो इसको नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो जैसा कि टाइप है कि डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड, तो ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब हम आते हैं ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कम है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अधिक है, इट मीन्स न्यूमिनेटर की डिग्री वन है और डिनोमिनेटर की डिग्री एक दो तीन, यानी कि तीन है। तो ये आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब देखिए यदि इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इसमें हम लोग इसको इस तरह से ए बाई दिस फैक्टर एक्स प्लस वन, बी बाई सेकेंड फैक्टर x प्लस टू एंड c बाई थर्ड फैक्टर x माइनस थ्री पुट करेंगे। इसको इसी के अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ेंगे। यदि यहाँ पे ये फैक्टर ना होता तो a बाई दिस फैक्टर प्लस b बाई दिस फैक्टर करके हम प्रोसीड करते। यदि यहाँ एक और फैक्टर होता तो a बाई दिस फैक्टर, b बाई दिस फैक्टर, c बाई दिस फैक्टर प्लस d बाई दिस फैक्टर। अब मेरा पर्पस है कि ये जो कांस्टेंट है a, b, c, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना और इस वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना, वही मेरा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम
यदि दोनों तरफ देखते हैं, हम आज दो मेथड से बताएंगे। यदि मान के चलिए यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर और ये फैक्टर आ जाएगा, यानी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। ओके, या फिर आइदर आप इस तरह से बनाइए, आइदर आप डिवाइड कर दीजिए इससे। चलो, तो यहाँ पे ये फैक्टर मौजूद है, तो इसका मतलब ए के साथ जो फैक्टर होंगे ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस थ्री एंड प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। चल, ये कितने के बराबर हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में इस फैक्टर के बराबर हो गया। अब आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है, ये दोनों सेम होगा, ऑल केस में ये दोनों सेम होगा। तो इसको इलिमिनेट यदि कर दे दोनों तरफ को, यदि यहाँ लिख दिया जाए एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री। ओके, तो ये दोनों जो है डिनोमिनेटर ये कैंसल आउट हो जाएंगे। नाउ इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, तो ये इक्वेशन बच जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में और हमारे पास x प्लस वन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस बचेगा। चल, अब यहाँ पे हम पुटिंग प्रोसेस अपनाएंगे और उसके तहत हम ए बी सी का वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यदि पुट कर दें एक रूट को, तो रूट कौन सा पुट करना है, तो एक बार ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये जीरो हो जाए, दूसरे बार ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये जीरो हो जाए, तीसरे बार ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये जीरो हो जाए। तो यहाँ यदि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सबसे पहला जो वैल्यू पुट करना है वो पुट करना है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो जैसे ही आप x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। देख लो बाबू, चेक कर लो। देखिए, जब आप x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो यहाँ जब आपका x माइनस वन प्लस वन ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा, ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा और आपके पास जो वैल्यू जाएगी वो आएगी x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन। तो माइनस वन प्लस फाइव ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया ए, माइनस वन प्लस टू और यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम, ये मेरा कैलकुलेट होके हो गया फोर, ये मेरा हो गया ए, माइनस वन प्लस टू दिस बिकम्स वन, माइनस वन माइनस थ्री दिस बिकम्स माइनस फोर। ओके, नाउ माइनस फोर ए इज इक्वल टू फोर, माइनस फोर ए इज इक्वल टू फोर एंड ए इज इक्वल टू व्हाट, दिस बिकम्स माइनस वन। ए की वैल्यू हमारी निकल गई माइनस वन। हम लोग यदि इसको इक्वेशन वन मान ले तो ए का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, माइनस वन। चल, फिर दोबारा हमको क्या करना है, सेकेंड में एक्स की वैल्यू पुट करनी है और वो एक्स की वैल्यूज क्या होगी, अब माइनस टू। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो जब पुट करेंगे एक्स की वैल्यू माइनस टू तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन, चेक कीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस टू प्लस फाइव एंड इज इक्वल टू, जैसे ही माइनस टू पुट करेंगे ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा और ये सी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू जाएगी बी, माइनस टू प्लस वन एंड माइनस टू माइनस थ्री। ओके, चल अब कैलकुलेट करते हैं इसको, दिस बिकम्स थ्री बी, ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा माइनस फाइव। चल, माइनस फाइव माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा, इट मीन्स आपके पास जो आया वो आया फाइव बी इज इक्वल टू थ्री और बी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव। चल, ये आ गया मेरा वैल्यू बी इज इक्वल टू थ्री बाई फाइव। अगेन एक और वैल्यू हमें पुट करनी है और वो वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए
एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, यदि प्लस थ्री पुट करे तो मेरा ये वैल्यूज निकल जाएगा, तो पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री। तो जब प्लस थ्री पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास थ्री प्लस फाइव, इधर आ जाएगा प्लस थ्री, आप पुट करोगे ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म सी मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। सी थ्री प्लस वन, थ्री प्लस टू, चल दिस बिकम्स एट, सी फोर इंटू फाइव, चल और इससे मेरा जो सी निकला वो निकला एट बाई ट्वेंटी, इसको हम लोग 4 बाई टेन लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 बाई फाइव करते हैं, इट मीन्स C की वैल्यू हमारी आई 2 बाई फाइव। नाउ ये था मेरा कैलकुलेशन, ए बी सी की वैल्यू आप निकाल दिए। नाउ द वैल्यू ऑफ ए बी सी को आपको कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन जो फ्रैक्शन आ जाएगा दैट वन इज रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया माइनस 1, पुट माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, बी इज द 3 बाई 5 प्लस 3 बाई 5 एंड सी इज इक्वल टू 2 बाई 5, पुट 2 बाई 5, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ओके चीजें क्लियर हो गई, तो ये था। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है हम इस पे बेस्ड एक डिडक्शन भी आपको कराएंगे, इस पे बेस्ड हमने 10 प्रॉब्लम दिया है इस तरह का, आप इस प्रॉब्लम को बनाइए, एक क्वेश्चन एक डिडक्शन हम स्पेशल आपको बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिंक में अवेलेबल है, बुक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही बुक का ये सवाल भी था, ये बुक है। हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा पहला वीडियो जाने के बाद मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे फ़ोन कर दिए कि सर ये बुक मिलेगा, मैंने उनको बताया कि भाई बुक लेने के लिए आपको किताब वाले से संपर्क करना पड़ेगा। तो देखिए आप ठीक है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो देखिए यहाँ पीछे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है इस नंबर को हम आपको लिख दे रहे हैं तो हम परेशानी से बचेंगे कम से कम 6, क्योंकि किताब बेचना तो किताब वालों का काम है, 3 6 6 7 6 4 7। तो जब 100 बच्चे से अधिक बच्चे हमें फ़ोन कर दिए तो पब्लिशर को हमको फ़ोन करना पड़ गया कि सर आप किताब पहुंचवा दीजिए बच्चे परेशान हैं। तो यदि आपको कोई भी तरह का असुविधा हो बुक को लेके तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई में यदि आपको कोई समस्या हो तो आपको नंबर हम दे चुके हैं 6203 66 7 6 4 7, ये आपको नज़दीक का डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर बता देंगे, वहाँ से जाके आप लोग बुक ले लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं आगे, ठीक है चलो अब चलिए अब हम इसी पे बेस्ड एक इम्पोर्टेंट डिडक्शन पे आते हैं, ठीक है। टाइप बदला नहीं, दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। देखिए यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक हम छोटा क्वेश्चन ही लेते हैं, एक और फैक्टर आप चलिए ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ओके नाउ अब देखिए क्या चीज है, इसको ठीक है एक्स स्क्वायर या फिर इसको कर दीजिए आप x x 4 प्लस प्लस 1, ठीक है। नाउ अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल जब आएगा तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा टाइप तो आपने नहीं बताया। तो देखिए ये जो है कोई नया टाइप नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। यदि यहाँ पे
क्या है, सेम क्वांटिटी रिपीट एवरीवेयर। यहाँ इस फैक्टर में भी ये क्वांटिटी रिपीट कर रही है, इस फैक्टर में भी ये क्वांटिटी रिपीट कर रही है, और इस फैक्टर में भी ये क्वांटिटी रिपीट कर, इवन इस फैक्टर यहाँ भी न्यूमिनेटर में भी ये क्वांटिटी रिपीट कर रही है। खैर न्यूमिनेटर में रिपीट करे नहीं करे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाउ यदि यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लें थोड़े समय के लिए, तो ये क्या फैक्टर हो जाएगा, थोड़ा इसको देखें t, तो दिस बिकम्स टी स्क्वायर, क्योंकि x4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, एंड टी स्क्वायर प्लस वन। चलिए नाउ दिस बिकम्स टी प्लस वन, दिस बिकम्स टी प्लस टू, एंड दिस बिकम्स टी प्लस थ्री। अब आप देखो बच्चों, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी यदि आप पुट कर दिए तो क्या आ गया, ये जो फैक्टर आया ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर। ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर है, नीचे का पावर कितना है, थ्री है, ऑब्वियस बात है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। नाउ अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। चलिए तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम लोग जस्ट सपोज मान लीजिए इक्वेशन वन। नाउ आते हैं, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर प्लस वन, टी प्लस वन, टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री, यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे। बच्चों देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि ऊपर से हमको नहीं मतलब है कांस्टेंट है या सिंगल टी है या टी स्क्वायर है, बस ये प्रॉपर होना चाहिए। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर आपका मैच कर रहा है, नॉन रिपीटेड है, इसकी माइनस वन, इसकी माइनस टू, इसकी माइनस थ्री, लीनियर फैक्टर है। इसको हम प्रोसीड करेंगे ए बाई टी प्लस वन, बी बाई टी प्लस टू एंड सी बाई टी प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग एंड इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा नया तरीका से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि ये डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, यदि इसी का चीज़ें दोनों ही सेम है, कोई नया तरीका हम नहीं बता रहे हैं। देखिए टी प्लस वन अभी जो कैलकुलेशन किए थे पहले, बस चीज़ें वैसा ही हैं, इसको समझिए। यदि इसको हम सेम चीज़ से यदि इक्वेशन है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसी फैक्टर से, टी प्लस वन, टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री, ठीक है। अब जवाब में आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि टाइप वन अभी जो दो प्रॉब्लम बनाए दोनों में कौन तरीका आपको अच्छा लगा। चलो तो यदि आप इस सेम क्वांटिटी से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया दिस बिकम्स ए बाई टी प्लस वन, और ऊपर क्या है, टी प्लस वन, टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री। सिमिलरली सेम क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और सेम क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। ये क्वांटिटी देखिए, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर प्लस वन, ओके। और जो राइट साइड में है यहाँ देखिए टी प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो तीनों फैक्टर में इस फैक्टर को छोड़ के बाकी दो फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना, तो आप जब ये प्रोसेस कीजिएगा तो आपके पास आएगा ए, यहाँ पे टी प्लस वन है तो टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री। नाउ बी, यहाँ टी प्लस टू है तो टी प्लस वन एंड टी प्लस थ्री। प्लस सी, यहाँ टी प्लस थ्री है तो टी प्लस वन एंड टी प्लस टू। ये आपका इक्वेशन आ गया। फिर से सेम प्रोसेस पे हम लोग आएंगे, और वो सेम प्रोसेस क्या है, वो सेम प्रोसेस है कि टी की जो वैल्यू है वो पुट करना है। तो टी का वैल्यू हम एक बार पुट करेंगे, तो क्या पुट कर सकते हैं, माइनस वन एक बार, माइनस टू और एक बार माइनस थ्री। तो जब आप माइनस वन पुट करते हैं तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, पुट कीजिए, यहां से पुट करते हैं। चलिए हम, मेरा काम क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालना। पुट पी इज इक्वल टू
माइनस वन, जब t इज इक्वल टू आप माइनस वन पुट करते हैं ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगा माइनस वन। तो एल एच एस में माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन एंड दिस बिकम्स ए एंड माइनस वन प्लस टू एंड माइनस वन प्लस थ्री। ओके नाउ ये माइनस वन का होल स्क्वायर वन, वन प्लस वन ये क्या आ गया टू एंड दिस बिकम्स ए और ये बच गया आपका वन और ये बचा आपका टू। इट मीन्स टू टू कैंसिल आउट हो गए, फाइनली रिजल्ट आपका ए की वैल्यू क्या आया वन आया। चलिए ए इज इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया। नाउ अब हम लोग अगेन पुट करते हैं इस इक्वेशन में टी की वैल्यू माइनस टू, जब माइनस टू पुट करेंगे तो ये टर्म आपका जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाए। तो अब जो वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं बच्चों, तो जब टी की वैल्यू आप पुट करते हो माइनस टू, तो माइनस टू पुट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन एंड दिस बिकम्स ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, बी माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री। ओके नाउ दिस बिकम्स टू का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर फोर प्लस वन, दिस बिकम्स फाइव, बी माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस फाइव आ जाएगी। ओके तो बी की वैल्यू माइनस फाइव। अगेन टी इज इक्वल टू जब आप माइनस थ्री पुट करते हो तो ये टर्म जीरो और ये टर्म जीरो, इसके हेल्प से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। चल देखते हैं पुट पुट टी इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो जब माइनस थ्री आप पुट करोगे दिस बिकम्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन। चलिए ये जीरो सी टी प्लस वन यानी माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू। ओके नाउ थ्री स्क्वायर नाइन प्लस वन दिस बिकम्स टेन, माइनस थ्री प्लस वन बिकम्स माइनस टू एंड दिस बिकम्स माइनस वन। नाउ टेन एंड दिस बिकम्स टू, तो c इज इक्वल टू आपके आ गए फाइव। चलिए इसके हेल्प से हम a, b और c तीनों की वैल्यूज निकाल लिए बच्चों। अब इस a, b, c की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में आप जब पुट कीजिएगा तो a की वैल्यू वन यहाँ पुट कर दो वन, b की वैल्यू माइनस फाइव यहाँ पुट कर दो माइनस फाइव एंड c की वैल्यू फाइव तो यहाँ पुट कर दो फाइव। ये जो आया ये आ गया रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ हम लोग t को माने थे एक्स स्क्वायर, तो अगेन पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। चल आ गया समझ में, आसान था, बहुत अच्छा था। चल उम्मीद करते हैं आप लोग सबको समझ में आया होगा। और अब इस पे बेस्ड हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लिंक में दिया हुआ है उससे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चंस बनाइए। यदि आपको फिर भी समस्या होता है तो आपको हमारा पहले लेक्चर में सारा नंबर दिया हुआ है, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये था टाइप वन, अगले क्लास में हम लोग टाइप टू में जाएंगे, फिर धीरे धीरे टाइप थ्री में। लेकिन उससे पहले आपको ये सवाल आज के आज बनाने हैं। जिसको भी दिक्कत हो आपको व्हाट्सएप नंबर दोनों यहाँ पे दिया गया है, आप 7979-0404-0014-6295-07-88-8831 इस दोनों में आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। कॉलिंग नंबर भी आपको दिया हुआ है, कॉलिंग भी आप इस पे कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर पे। ठीक है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और पढ़ाई
आप लोग चलाते रहिए, हम कराते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर करना इसलिए है कि यदि आप शेयर करते हैं तो वैसे बच्चों तक शिक्षा पहुंच पाएगी जो लॉकडाउन में इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।